वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 4 सितंबर 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 4 सितंबर 2018 के जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डेली करंट अफेयर की वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखा करें। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से क्विज के 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 सर्वाधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है? तो इसमें आंसर आएगा भारत की गंगा नदी। और वहीं इन नदियों में अफ्रीका की नील नदी और भारत व पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी भी शामिल है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक बांध व निर्माण कार्य, अत्यधिक पानी निकालना व मछलियां पकड़ने जाना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इन नदियों के लिए खतरा है। और ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा के किनारे परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद तक के कारखाने लगे हुए हैं, जिसके कारण गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है। जैसा कि मैप में आप गंगा नदी को देख रहे हैं, गंगा नदी भारत की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है। और गंगा नदी उत्तराखंड के कुमायूं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद में से निकलती है। और गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से 3,140 मीटर है। और वहीं गंगा नदी के जल में बैक्टेरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण हानिकारक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव जीवित नहीं बचते हैं। वहीं आपका क्वेश्चन आता है कि फरक्का बांध किस नदी पर है? तो फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है और वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर आपका क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसमें आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 120 मिलियन यूरो यानी लगभग 990 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा जर्मनी ने। और इसका उद्देश्य बिना उपचार किए हुए अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर के प्रवाह को गंगा नदी में कम करना है। और वहीं भारत सरकार की तरफ से गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना भी चलाई जा रही है। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपके लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए नीचे जाकर लाइक के बटन को अभी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारवा यमन बस किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई है? तो इसमें आंसर आएगा कारवा यमन बस जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलाई गई है। जैसा कि मैप में आप पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर को देख रहे हैं, पीओके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था। 1947 में पाकिस्तान के पख्तून कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, जिससे निपटने के लिए उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार से सैन्य सहायता मांगी और भारत सरकार की ओर से तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 26 अक्टूबर 1947 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को भारत के हवाले कर दिया गया था और अन्य सभी मामलों में जम्मू कश्मीर अपने सभी निर्णय के लिए स्वतंत्र था। आपका एक क्वेश्चन आता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में है। और वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन भारत के जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन और भारत के जम्मू कश्मीर के बीच की बाउंड्री है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने लग्जरी सामानों के आयात पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें आंसर आएगा यमन की सरकार ने। और यमन सरकार ने ऑटोमोबाइल्स तथा विलासिता के अन्य सामानों का आयात अस्थायी तौर पर बंद किए जाने के आदेश दिए हैं। और यह निर्णय देश में स्थानीय मुद्रा के संकट को देखते हुए सरकार ने लिया है। जैसा कि आप यमन कंट्री को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, यमन कंट्री एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है और यमन कंट्री की सीमा उत्तर में सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी और पूर्व में ओमान कंट्री से मिलती है।
और यमन की राजभाषा है अरबी, और यमन की राजधानी है साना, और वही प्रेजेंट में यमन के राष्ट्रपति है अली अब्दुल साहिल, और यमन के प्रेजेंट के प्रधानमंत्री है अहमद बिन डागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए गांव में कौन सा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा आर्या कार्यक्रम के तहत कृषि प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने युवाओं में कृषि के प्रति घटते आकर्षण को ध्यान में रखकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्कूली शिक्षा में कृषि के प्रति समर्पित पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने के लिए जोर दिया है। और वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं त्रिलोचन महापात्रा, और वहीं ICAR इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 में, और वहीं इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक पोम्पियो किस देश के विदेश मंत्री है? तो इसमें आंसर आएगा माइक पोम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री है, और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच 5 सितंबर को बैठक होगी। इसके लिए माइक पोम्पियो और अमेरिका के सैन्य प्रमुख इस्लामाबाद जा रहे हैं, और इसमें वे पाकिस्तान से आतंकवादियों से लड़ने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आग्रह करेंगे। इससे पहले माइक पोम्पियो ने इमरान खान से फोन पर संपर्क कर उन्हें पाकिस्तान में सक्रिय सभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, और वहीं अमेरिका के मुताबिक अगर पाकिस्तान अमेरिका से अच्छे संबंध रखना चाहता है तो उसे अफगानिस्तान में अमेरिकी कूटनीति का साथ देना होगा, और इस कूटनीति के तहत अफगानिस्तान में शांति बहाल के लिए तालिबान को वहां की सरकार के साथ काम करने पर मजबूर करने के लिए सैन्य और राजनैतिक दबाव बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और बांग्लादेशी सीमा बलों के बीच द्विवार्षिक वार्ता की शुरुआत कहां पर हुई? तो इसमें आंसर आएगा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई, और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक KK शर्मा ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि सीमा गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल MD साफिनुल इस्लाम ने वार्ता में बांग्लादेशी पक्ष का नेतृत्व किया, और इस बैठक का लक्ष्य दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार ड्रग्स और नशीले पदार्थों, मवेशी और बंदूक की तस्करी जैसे अंतर सीमा अपराधों की जांच में सहयोग बढ़ाना है। और वहीं प्रेजेंट में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2018 का ताज मिला है? तो इसमें आंसर आएगा निहाल चुडासमा को, और मिस दिवा विनर्स को मिस यूनिवर्स के लिए भेजा जाता है, और मिस यूनिवर्स 2018 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। वहीं आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मिस यूनिवर्स 2018 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा निहाल चुडासमा के द्वारा, और निहाल चुडासमा मुंबई की रहने वाली है, और वहीं अभी तक भारत से 2 मिस यूनिवर्स रही हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं 1994 में सुष्मिता सेन, और उसके बाद आता है 2000 में लारा दत्ता। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि पिछले साल 2017 में भारत से मिस वर्ल्ड रही है, और भारत से 2017 में मिस वर्ल्ड रही है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर भारत की 6ठी मिस वर्ल्ड थी, और वहीं वर्ल्ड की 67th नंबर की मिस वर्ल्ड थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 2017 में कितना हो गया है? तो इसमें आंसर आएगा 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 14.57 मिलियन था, और अब बढ़कर 2017 में 15.54 मिलियन तक पहुंच गया। और वहीं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। वहीं आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे या विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व युवा मुक्केबाजी में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आंसर आएगा साक्षी चौधरी ने, और विश्व युवा मुक्केबाजी का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया,
और साक्षी चौधरी के अलावा नीतू गणगस ने भी 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। और इनके अलावा अनामिका ने 51 किलोग्राम वर्ग में और मनीषा ने 64 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट आपके एक प्लेयर का नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक रेसलिंग से संबंधित है यानी कुश्ती से संबंधित है, और वहीं साक्षी चौधरी बॉक्सिंग से संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आए कि साक्षी चौधरी किस खेल से संबंधित है या साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान से आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। और वहीं साक्षी चौधरी और साक्षी मलिक दोनों हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के द्वारा हाल ही में जारी सिफारिश के अनुसार पुरुषों की शादी की आयु कितना करने को कहा गया है? तो इसमें आंसर आएगा 18 वर्ष। और विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि महिलाओं और पुरुषों की शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए, और प्रेजेंट में शादी के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष है और पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र है 21 वर्ष। और विधि आयोग यानी लॉ कमीशन, इनका कार्य विधि के अनुसार सुधार करना, अर्थात किसी न्याय प्रणाली में कानूनों की स्थिति की समीक्षा करना और कानूनों में परिवर्तन सुझाना है। और वहीं प्रेजेंट में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अधिकारियों को सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की निगरानी करने का अधिकार दिया है? तो इसमें आंसर आएगा मिस्र ने। और इसके तहत देश के सुप्रीम काउंसिल फॉर मीडिया रेगुलेशन को यह अधिकार होगा कि वह सोशल मीडिया वेबसाइट या ब्लॉग पर 5,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोगों पर नज़र रख सके। और वहीं प्रेजेंट में मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता को इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और भारतीय बैंक संघ या इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्य करती है, और वहीं इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट रेड स्पॉट जो कि एक चक्रवाती तूफान है, वह किस ग्रह पर पाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह या जुपिटर ग्रह पर पाया जाता है, और ग्रेट रेड स्पॉट के अंदरूनी हिस्से में पानी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। पिछले 350 साल से अधिक समय में इस ग्रह पर एक तूफान आया हुआ है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट का नाम दिया गया है, और अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक इस पानी में ऑक्सीजन सहित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है, और इससे पता चलता है कि बृहस्पति पर सूरज की तुलना में 2 से 9 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन है। और वहीं बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां ग्रह और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों के दौरे पर हैं, निम्न में से इनमें कौन सा शामिल नहीं है? भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य देशों के दौरे पर है। तो इसमें आंसर आएगा सिंगापुर इनमें शामिल नहीं है। और वहीं साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, और साइप्रस की मुद्रा है यूरो, और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, और बुल्गारिया की मुद्रा है बल्गेरिया लेव, और वहीं चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, और चेक गणराज्य की मुद्रा है चेक कोरुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर वर्ष 2030 तक 40% समुद्र में जलमग्न हो सकता है? तो इसमें आंसर आएगा बैंकॉक शहर, और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है, निम्न में से इनमें कौन सा शामिल है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और चंडीगढ़। इसमें आपके ये चारों राज्य शामिल हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। और सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी तैयार नहीं करने पर इन राज्यों पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, और राज्य में कचरा नीति तैयार नहीं करने पर और न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े संचार सेवा समूह WPP PLC ने कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा मार्टिन सोरेल के इस्तीफा के बाद मार्क रीड को कंपनी का CEO बनाया जाएगा। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है रमोन लगोरता। पेप्सिको की CEO इंदिरा नुई 3 अक्टूबर को अपना पद छोड़ देंगी और उनके बाद रमोन लगोरता को पेप्सिको कंपनी का CEO बनाया जाएगा। और वहीं नेक्स्ट ऑप्शन है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस प्रेजेंट में अमेजन कंपनी के CEO हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसमें आंसर आएगा वाराणसी में, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहीं प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग अवार्ड के लिए किसका चयन किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है काजरी, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय कृषि आयोग। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान, और नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय। और क्विज के दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और क्विज के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रिकागो इके किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है निशानेबाजी, मार्शल आर्ट, तीरंदाजी और तैराकी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो ये थे 4 सितंबर के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कल हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस की नेक्स्ट डोज वीडियो लेके आएंगे। डेली करंट अफेयर की नेक्स्ट डोज वीडियो पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।